नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की जो बुक है कृतिका, उसका पहला पाठ है कृतिका का भाग फर्स्ट। ये सहायक पुस्तक है, पूरक पुस्तक है हिंदी की कक्षा 9 की। इसमें कृतिका जो किताब है उसका पहला पाठ है इस जल प्रलय में, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पर इसका फर्स्ट भाग हम पढ़ेंगे। इसमें इस रिपोर्ट कार्ड में पटना में सन 1975 में जो भयंकर बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया है लेखक। इसका प्रत्यक्ष दर्शी राय यानी लेखक ने इस बाढ़ को प्रत्यक्ष में देखा है और उसका वर्णन किया है। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो रिपोर्ट कार्ड लिखा है इस जल प्रलय में, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। और रिपोर्ट कार्ड क्या होता है देखिएगा, हिंदी गद्य की एक रचना शैली है, हिंदी गद्य की एक रचना शैली है यानी रिपोर्ट, जिसे कह सकते हैं हम जिस तरीके से लिखते हैं वैसे ही। और इस रिपोर्ट कार्ड में पटना में सन 1975 में जो भयंकर बाढ़ आई उसका वर्णन लेखक ने किया है। पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका जन्म सन 1921 में और मृत्यु 1977 में हुई। ये प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म औराही हिंगना यानी जिला पूर्णिया बिहार में हुआ, और इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो नेपाल में हुई। 1942 के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे, यानी सन 1942 में जो आंदोलन हुआ था आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, उसके प्रमुख सेनानी भी रहे और नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई है। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात यानी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कहानियां, अंचल विशेष की यानी क्षेत्र विशेष की कहानियां इन्होंने लिखी है, इसलिए आंचलिक कथाकार माने जाते हैं, प्रसिद्ध है। इन्होंने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और आनंद से युक्त चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं मेला आंचल, प्रतीक परिकथा, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु के जो उपन्यास है वो है मेला आंचल, प्रतीक परिकथा और कितने चौराहे। इनके कहानी संग्रह है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और अग्निकोल, ये इनकी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति, ये इनके रिपोर्ट आज है। यहाँ पर ये तो इस जल प्रलय में रिपोर्ट आज लिया है, ये ऋण जल धन जल से ही लिया है, उसी का भाग है। और यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्ट आज लिखे वो है ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति, ये इनके रिपोर्ट आज है। आइए हम फणीश्वर नाथ रेणु का जो रिपोर्टाज है यानी गद्य शैली में रिपोर्ट की तरह लिखा गई जो रचना है या जो लेख है पढ़ते हैं इस जल प्रलय में। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक, जो पटना में भयंकर बाढ़ आई उसका लेखक ने उसको प्रत्यक्ष में देखा, भोगा और उसी का वर्णन किया है कि
जब भयंकर बाढ़ आई तो क्या स्थिति रही और कैसी परिस्थितियां रही, इसका वर्णन किया है। मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की जो कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियां हैं, ये बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी शरण लेते हैं, यानी दक्षिण की जो नदियां हैं, कोसी नदी, पनार नदी, महानंदा और गंगा नदी की जो बाढ़ आती है, इससे पीड़ित प्राणी जो है, प्राणियों का समूह, वो लेखक के यहाँ पर आते हैं और शरण लेते हैं। सावन भादो यानी वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु के महीने सावन और भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती भूमि किसे बोलते हैं, जो ऐसी जमीन जो अनुपजाऊ है, जिसे जोता नहीं जाता, उसमें कुछ बोया नहीं जाता, अनुपजाऊ भूमि जो होती है, बंजर भूमि पर गाय, बैल, भैंस, बकरे के हजारों झुंड मुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका यानी प्रेमकर्ता का अंदाजा लगा लेते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, यानी लेखक का जन्म ऐसी जगह हुआ है जहाँ की भूमि परती अर्थात अनुपजाऊ है, वहाँ पर लोग घर बना के रहते हैं, उस पर खेती नहीं हो सकती। गांव के अधिकांश लोगों की तरह ही मैं भी तैरना नहीं जानता, यानी लेखक भी तैरना नहीं जानते थे, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेखक ने क्या था, कौन कौन से कार्य किए, बॉय स्काउट, देखिए बॉय स्काउट यानी स्काउट नामक संस्था के जो स्वयंसेवक होते हैं, रिलीफ वर्कर यानी संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें रिलीफ वर्कर कहा जाता है। तो ऐसे कार्य लेखक करता था, जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ पीड़ित जो होते थे उनकी सहायता लेखक करता था। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर के धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। लेखक ने हाई स्कूल में यानी जब लेखक पढ़ता था उस समय बाढ़ पर निबंध लिख करके और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। जय गंगा 1947, दायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट छोटे छोटे रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, यानी जो छोटे छोटे उपन्यास हैं, इनमें इन्होंने बाढ़ में जो विनाश होता है उसका चित्रण किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ, यानी लेखक गांव में रहते थे और बाढ़ में किस प्रकार फंसा जाता है, बहा जाता है, इसका अनुभव लेखक को नहीं हुआ था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, देखिएगा यहाँ पर ये वादास्पद है, 1975 भी दिया हुआ है बहुत सी जगह और यहाँ पर 1967 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 1967 कर देते हैं। जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अविराम यानी लगातार वृष्टि यानी वर्षा के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग, अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। यहाँ पर पुनपुन नदी का नाम है जो पटना में ही बहती है। ये 1967 में पहली बार जब पटना में पहले बाढ़ आई
तो 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई और वहाँ की जो पुनपुन नदी है उसका पानी राजेंद्र नगर जो कि कहाँ पर है, पटना में है, कंकड़बाग और अन्य जो निचले हिस्से उनमें पानी घुस गया था, अर्थात बाढ़ को मैंने भूगा है। लेखक इसके प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। लेखक ने बाढ़ को देखा भी और भूगा भी। शहरी आदमी की हैसियत से रहने वाला शहर का है लेखक, इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, जब वापस बाढ़ आई, पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कामबोझ की गोलियां, देखिए कामबोझ की जो गोलियां होती है ये नींद की गोलियां होती है कामबोझ, जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ पर 1967 की बात है, पटना में जब 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई और नदी जो पुनपुन नदी है उसका जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो लेखक ने जो आवश्यक सामग्री है वो जो आवश्यक सामग्री है यानी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उन्हें एकत्रित किया और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि कई नगर ऐसे थे जिनमें पटना में जिनमें बाढ़ का पानी घुस चुका था निचले हिस्से में होने के कारण। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए यानी जो डूब जल में डूब गया, जिस पर बाढ़ का पानी आ गया या फिर जो जल में डूब गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया, ये सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, वहां पर बांग्ला भाषा में सूचना मिली थी, जामे गोलघर डूबे गए कि अब गोलघर जो है वो डूब चुका है। 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा यानी अब तक पानी आ गया होगा। लेखक जब सुबह उठा, रात को तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो खाद्य सामग्री है और भी कई वस्तुएं उन्हें जमा करके और इकट्ठी करके लेकर के रख ली है, क्योंकि पटना में पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, बाढ़ के हालात हैं, वर्षा 18 घंटे तक लगातार हुई, इसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। वहां के पटना शहर के जो निचले हिस्से हैं, कुछ शहर है उनमें, कुछ नगर है उनमें पानी घुस गया है और लेखक भी बाढ़ का इंतजार करता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो वह बाढ़ देखने के लिए जाता है। इतने में एक रिक्शा वाला मिलता है और रिक्शा वाला कहता है कि कहाँ जाएगा, कॉफी हाउस में तो अब तक बहुत पानी आ गया होगा। वहां पर जो है राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी जल में डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है अब लेखक कि भाई पानी कैसे घुसा यह देखने के लिए ही जाना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए और साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ ख्याता व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनुव्रत अनर्गल अनगढ़, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुव्रत यानी निरंतर या लगातार, अनर्गल यानी बेतुकी विचारहीन बातें, अनगढ़ बेडोल या टेढ़ा मेढ़ा, गद्यमय सब गतोक्ति यानी अपने आप में ही कुछ बोलना से कभी बोर नहीं होते, धन्य है लेखक। और लेखक के साथ ही एक विशेषज्ञ हैं जिनको अध्यापक है जिनको विशेष जानकारी होती है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं किसी भी विषय की। तो यहाँ पर व्याख्याता आचार्य विशेषज्ञ कवि के मित्र थे
दोनों रिक्शे में बैठ करके बाढ़ देखने के लिए जाते हैं। लेखक लगातार बेतुकी और बेडोल बातें करता है, अपने आप से कुछ बोलता है, फिर भी लेखक का जो मित्र है वो बोर नहीं होता और लेखक उसे धन्यवाद देता है। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, यानी कि सभी अपने अपने जो वाहन हैं उनसे बाढ़ का पानी देखने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। कुछ लोग हैं जो बाढ़ का पानी देखने जा रहे हैं, कुछ देख करके आ रहे हैं और उनके मुंह पर जुबान पर एक ही जिज्ञासा है यानी जानने की यही इच्छा है कि पानी कहाँ तक आ गया। पुनपुन नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया, यानी महा रोड का नाम है, फ्रेजर रोड पर आ गया। आ गया क्या, पार कर गया? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये रोडों के नाम है वहां के। इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया यानी जहां पर ये औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं का कहीं पता नहीं है। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास दबाव पानी, विमेंस कॉलेज यानी वो गर्ल्स कॉलेज जो है वहां पर डूबने इतना पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। इस प्रकार लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेज तेजी से सरकता आ रहा था। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, गेरुआ झाग फैन किसे कहा गया है? तो ये पानी है, जब बाढ़ का पानी आता है तो उसमें झाग उठते रहते हैं और दूर से देखने पर वे गेरुए रंग का दिखाई देता है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो गेरुए रंग का जो झाग फैन बाढ़ का पानी है उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आतंक के मारे यानी डर के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस यानी अचानक ही जुड़ गए और सब है प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, अस्फुट यानी अस्पष्ट शब्द निकलने लगे। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, करंट यानी बहाव, पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुने भरे स्वर में कहा, निवेदन किया, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी लेखक और लेखक का मित्र जो है, जो आचार्य भी है, व्याख्याता भी है, विशेषज्ञ भी है और लेखक का मित्र है, ये रिक्शे में बैठ करके और बाढ़ का पानी देखने के लिए जाते हैं। बाढ़ का पानी जो है वो आगे तक आ चुका था और कई क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। तो यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण कुछ लोग बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे, कुछ लोग बाढ़ का पानी देख करके वापस लौट रहे थे। यहाँ कुछ लोग कह रहे थे आगे मत जाइएगा क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत करंट यानी तेज गति से आ रहा है। लेखक रिक्शे वाले से कहता है कि भाई यहाँ तक ठीक है और हमें अब वापस चलना चाहिए और हमें भी चलना चाहिए क्योंकि आगे की कक्षा हमारी जो है, आगे की क्लास
कल होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।